नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मंदिरों की अपनी अपनी विशेषता होती है। जैसे उत्तर पूर्वी देश में काशी स्थित की बहुत ज्यादा मान्यता है, वैसे ही रामेश्वर मंदिर की भी बहुत ज्यादा विशेषता और मान्यता मानी जाती है। कहा जाता है रामेश्वर मंदिर का आकार शंकु आकार का है और शंकु हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है जब भी हम हिंदू में पूजा की जाती है और शंख ना बजाया जाए वह पूजा सफल नहीं मानी जाती है। हम सभी जानते हैं कि राम ने लंका पहुंचने के लिए सेतु नामक एक पुल बनाया था। पुल पर सब बानर सेना चलकर लंका पहुंची थी और उसी समय उस सेतु से जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त करने के बाद राम उस पुल से वापस आने से पहले विभीषण के आधार पर विभीषण ने कहा उनसे कि वह एक जगह लेकर जाएंगे जो है धनुषीपुरा। उस जगह पर राम गए और उस जगह पर जाने के बाद उन्होंने जो सेतु पुल बनाया था वह सेतु पुल तोड़ दिया। कहा जाता है रामेश्वर मंदिर बहुत ही बीचों में बना हुआ है, वैसे तो बहुत ही बड़ा है, उसका गलियारा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। रामेश्वर मंदिर की विशेषता ये है कि जो व्यक्ति अच्छे मन से जाता है और साफ मन से जो भी मान्यता मांगता है वह चीज़ें उसकी पूरी हो जाती हैं। अक्सर देखा जाता है कि रामेश्वर मंदिर उसकी विशेषता राम के आकार के अनुसार बताई जाती है। जैसे शंख का आकार होता है मुट्ठी में भर कर उसे बजाने का, वैसे ही रामेश्वर मंदिर का जो आकार है वह भी ऐसा ही है। बाहर से देखने में तो बहुत ज़्यादा आकर्षित लगता है और अंदर से और भी ज़्यादा आकर्षित है। कहा जाता है कि रामेश्वर मंदिर में जहाँ पर बना हुआ है उसके आसपास बंगाल की खाड़ी और महाद्वीप हैं। दोनों ने उस पुल को तोड़ने के बाद उसे जो मिलने वाली रेखा थी, यानी कि जहाँ तक पहुँचने के लिए जो रेखा जाती थी, वह रेखा टूट चुकी है और उसके पास टापू बन गया है। कहा जाता है कि लोगों की मान्यता इतनी है कि धनुषकोटि से लोग पैदल चलकर रामेश्वर मंदिर तक पहुँचते हैं। मान्यता ये भी मानी जाती है जो लोग सच्चे मन से जो मान्यता मांगते हैं, यानी कि जो उनकी इच्छा होती है, वह जल्द ही पूर्ण हो जाती है। और राम का जो मंदिर है वह बहुत ज़्यादा आकर्षक है, जैसे कि राम थे, इसी वजह से रामेश्वर मंदिर की अपनी में ही एक विशेषता मानी जाती है। रामेश्वर मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर आकृति बनने के साथ साथ उसकी मान्यता ये भी मानी जाती है कि जिस तरह वह जिस आधार पर बना है और जिस पुल से होता हुआ बना है, वह पुल समुद्र के हलचल के कारण टूट चुका है। लेकिन रामेश्वर मंदिर की विशेषता यह भी बताती है, जिस तरह काशी में प्रसिद्ध मंदिर है उसकी मान्यता भी जितनी मानी जाती है, वैसे ही रामेश्वर मंदिर की भी विशेषता मानी जाती है। रामेश्वर मंदिर वैसे चेन्नई में स्थित है। जो लोग भी रामेश्वर मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं वह लोग अपनी मान्यता को रख कर जाते हैं, जिससे कि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो ये थी रामेश्वर मंदिर की विशेषता। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।